मूवी शुरू होती है 14 मार्च 2077 में, जहाँ पे हम जैक हार्पर को देखते हैं, जो अचानक से नींद से उठता है क्योंकि उसे सपने में एक अनजान लड़की दिखाई दी थी जो बार बार उसके सपने में आया करती थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है जैक और उसकी पत्नी दरअसल अर्थ के आखिरी दो बचे हुए इंसान हैं। और हमें कहानी के द्वारा बताया जाता है कि जैक हार्पर और उसकी पत्नी विक्टोरिएट दरअसल पृथ्वी के आखिरी बचे हुए सर्वाइवर हैं। करीब करीब 60 सालों पहले एलियन स्कैवेंजर्स ने पहले मून पर अटैक कर दिया था और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि उन्हें कोई प्लैनेट चाहिए था जो उनके लिए हैबिटेबल हो, क्योंकि उनका प्लैनेट बर्बाद हो चुका था और उन्हें अर्थ पर कब्जा करके यहाँ रहना था। लेकिन क्योंकि अब मून डिस्ट्रॉय हो गया था, अर्थ की ग्रेविटी और वेदर में भी काफी चेंजेस होने लगे थे। हर घंटे अर्थक्वेक, बार बार सुनामी तो कई और तूफान, ऐसे भयानक चेंजेस होने लगे। फिर उसके बाद एलियन स्कैवेंजर्स ने अर्थ पर अटैक कर दिया, जिसके जवाब में इंसान ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया था, जिससे एलियन स्कैवेंजर्स के अगेंस्ट हम वॉर तो जीत गए थे, लेकिन अर्थ का मोस्ट ऑफ द पार्ट इनहैबिटेबल हो चुका था। जितने इंसान बचे थे उन्हें अर्थ छोड़ स्पेस में ही TNT यानी टेम्पररी स्पेस स्टेशन बनाना पड़ा था, जहाँ पे इंसान टेम्पररी रहने वाले थे। तो वही दूसरी जगह पे टाइटन यानी सैटर्न का सबसे बड़ा मून, वहाँ पर इंसानों की एक टीम गई थी जो टाइटन को हैबिटेबल सेटअप बनाने के लिए तैयार कर रही थी। यहाँ पे जेक और विक्टोरिया दोनों को अर्थ पर ही रहना पड़ रहा था। उन्हें काम दिया गया था, जो भी बड़े बड़े ड्रोन्स अर्थ पर अभी हैं, वो अगर खराब होते हैं तो उन्हें रिपेयर करना। और अभी भी कुछ एलियन स्कैवेंजर्स बचे हुए थे, उनकी एक्टिविटी को टेट को रिपोर्ट करना। जैक इन स्कैवेंजर्स से बचने के लिए बहुत ही हाईटेक और काफी ऊंचे टावर में विक्टोरिया के साथ रहता था। जैक का टावर इतना ऊंचा था कि वो आसमान को छू रहा था। जैक और विक्टोरिया जल्द ही 2 हफ्ते के अंदर टेड में जाने वाले थे और वहाँ से वो टाइटन के लिए रवाना होने वाले थे, यानी कि 2 हफ्तों में इनका काम इन्हें खत्म करना था। यहाँ अर्थ पर हम देखते हैं काफी एडवांस मैकेनिज्म के हाइड्रो रिक्स थे। हाइड्रो रिक्स का काम था सी वाटर को फ्यूजन एनर्जी में कन्वर्ट करने का, ताकि टेट को हर वक्त एनर्जी मिल सके। इनके हाईली एडवांस कॉम्बैट ड्रोन्स हाइड्रो रिक्स की रक्षा करते और जो स्कैवेंजर्स बचे होते हैं उन्हें मारते थे। तो वही बचे हुए स्कैवेंजर्स अक्सर इनके कॉम्बैट ड्रोन्स पर रात में अटैक करते थे। तो वही विक्टोरिया कम्युनिकेशन ऑफिसर थी, जो जैक को गाइड भी करती थी कि उसे कौन से एरिया में जाके कौन सा ड्रोन रिपेयर करना है। इसके अलावा एक रेडिएशन जोन था जहाँ पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था और वो इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक जोन था, इसीलिए जैक और विक्टोरिया को वहाँ जाना अलाउड नहीं था। जैक का खुद का एक कोड होता है, यानी कि जैक 49, उसके टावर का भी नंबर 49 होता है। और उसकी बॉस होती है सैली, जो TE यानी कि स्पेस में बने उस टेम्पररी स्टेशन में मिशन डायरेक्टर होती है। वो जैक को हर रोज नया मिशन दिया करती थी कि कौन से ड्रोन को उसे आज रिपेयर करना है। अब उस दिन सुबह जैक को ड्रोन 166 जो कि ऑफलाइन हो गया होता है, उसका रिपेयर करने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। अब जैक अपनी एडवांस शिप में ड्रोन की तरफ निकल पड़ता है और तभी हम पूरे अर्थ का नजारा देखते हैं, पूरी बंजर पड़ गई थी। थोड़े समय के बाद जैक ड्रोन 166 के यहाँ पे पहुंच जाता है और उसे रिपेयर कर देता है, जहाँ पे जैक एक डॉग को देखता है, उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी जैक हवा में फायर कर उस डॉग को भगा देता है, जिससे वो बच जाता है। अब यहाँ से निकल कर जैक अपनी शिप को पार्क करता है और अपनी बाइक पर ड्रोन 172 को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जो पिछली रात गायब हो चुका था। ढूंढने के बाद उसे वो ड्रोन डिटेक्ट हो जाता है, जो न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी में गिरा हुआ होता है। जब जैक लाइब्रेरी में दूसरे डिसेबल्ड ड्रोन को ढूंढने लगता है, तो उसे वहाँ पे सिर्फ ड्रोन का नेविगेशन सिस्टम मिलता है। लेकिन तभी अचानक से काफी सारे स्कैवेंजर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे पता चलता है ये दरअसल ट्रैप था। लेकिन तभी ड्रोन 166 जैक को ट्रैक करते हुए यहाँ पे आता है और उन सारे स्कैवेंजर्स को डिटेक्ट कर उन्हें मार देता है और जैक को बचा लेता है। अब वो सारे मारे जाने के बाद लाइब्रेरी में जैक को एक बुक भी मिलती है, जिसे वो अपने पास रखता है। अब घर आने के बाद वो आराम करता है, लेकिन उस
बुक के बारे में वो विक्टोरिया को नहीं बताता और वो विक्टोरिया को एक प्लांट गिफ्ट करता है, लेकिन विक्टोरिया उसे फेंक देती है क्योंकि उसे प्लांट से इन्फेक्शन का डर था। और यहाँ पे विक्टोरिया के स्वभाव के बारे में पता चलता है कि वो काफी स्ट्रिक्ट है और टेड के सारे रूल्स फॉलो करती है। रात को जब ये दोनों भी सो रहे थे तभी अचानक से एक हाइड्रोलिक समुंदर में ब्लास्ट कर जाती है और सुबह सुबह सबसे पहले जैक वापस मिशन पे निकल पड़ता है उस हाइड्रोलिक के यहाँ पे, जहाँ पे उसे किसी अननोन आईडी के सिग्नल आ रहे होते हैं। जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि स्कैवेंजर्स यहाँ एक बिल्डिंग से सेक्टर 17 में सिग्नल भेज रहे होते हैं, जिसे वो पूरी तरीके से कट कर देता है। इसीलिए अपना काम होने के बाद वो जानबूझ के ऑफलाइन जाता है और माउंटेन के बीच में एक हट में चला जाता है जो उसने खुद बनाया था। और यहीं पे जैक ने अपनी काफी सारी पर्सनल चीजें रखी होती है जो उसे अपने मिशन में मिली थी, जैसे कि वो बुक या बास्केटबॉल। दरअसल जैक को अर्थ छोड़ के किसी दूसरे प्लेनेट पे नहीं जाना होता है, तो वही विक्टोरिया की जिद के कारण उसे टाइटन में जाना पड़ रहा था। इस हट में जब जैक रेस्ट कर रहा होता है तभी अर्थ पर कुछ पॉड्स गिरते हैं जिसके पीछे जैक निकलता है, लेकिन जो सैली होती है वो उसे वहां ना जाने के ऑर्डर्स देती है। फिर भी जैक चला जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद जैक काफी शॉक होता है क्योंकि उसे वहाँ पे इंसान मिलते हैं और उसी पॉड्स में उसे वो लड़की भी दिखाई देती है जो बार बार उसके सपने में आया करती थी। लेकिन तभी ड्रोन 166 आता है और इन सारे सर्वाइवर्स को वो मारने लगता है, लेकिन जैक समय रहते उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन तभी कुछ एलियंस स्कैवेंजर्स की जैक पर नजर होती है, इसी कारण से जैक उसे अपने बेस पर लेके आता है। उसे होश आने पर वो बताती है कि वो ओडिसी नाम के शिप पर थी जो एक रिसर्च फ्लाइट थी और वो अर्थ पर वापस आ रही थी, लेकिन किसी हादसे के कारण वो अभी जाके 60 साल बाद अर्थ पे लैंड हुई थी। पिछले 60 साल से क्रायो स्लीप में ही थी और स्पेस में ही मंडरा रही थी और वो डिमांड करती है कि उसके शिप का ब्लैक बॉक्स उसे चाहिए होगा। और जैक उसे प्रॉमिस करता है कि अगले दिन उसके शिप का ब्लैक बॉक्स वे लोग लेके आएंगे। अब अगले सुबह जैक और जूलिया दोनों भी उसका फ्लाइट रिकॉर्डर लेने के लिए जाते हैं, जहाँ स्कैवेंजर जैक पर अटैक कर देते हैं और उसे और जूलिया को कैप्चर कर लेते हैं और दोनों को भी अपने बेस पर लेके आते हैं। और यहाँ पे हम स्कैवेंजर्स के लीडर मैलकॉम को देखते हैं और वो रिवील करता है कि दरअसल स्कैवेंजर्स कोई एलियन नहीं है, वो इंसान ही है और इनके ड्रोन से बचने के लिए ही वो अब तक एक लोकेशन पे छुपे हुए हैं और इन ड्रोन्स को इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था। जैक खुद ये सब कुछ सुन के काफी कंफ्यूज होता है। तो वही दूसरी जगह पे हम देखते हैं जो टेड रहता है ऑटोमेटिक सिस्टम, वो एक ड्रोन को जैक को नेविगेट कर स्कैवेंजर के बेस पर भेजता है। तो वही दूसरी जगह पे स्कैवेंजर्स का लीडर मैलकॉम सारी सच्चाई जैक को बताने लगता है कि दरअसल ओडिसी शिप से ही उन्होंने जूलिया को अर्थ पर बुलाया था क्योंकि उसका कॉम्पैक्ट रिएक्टर स्कैवेंजर्स यानी इंसानों को चाहिए था। आगे मैलकॉम बताता है कि उन्होंने एक बॉम्ब बनाया है जिसे वो एक ड्रोन में प्रोग्राम कर टेट यानी मेन ऑटोमेटिक सिस्टम में डालने वाले थे और यहाँ पे ड्रोन को सिर्फ जैक ही प्रोग्राम कर सकता है, इसीलिए उन्हें काफी समय से जैक की मदद चाहिए होती है। लेकिन इनकी ये बातचीत हो ही रही थी तभी वहाँ पे टेट ने भेजा हुआ ड्रोन जैक को ढूंढते हुए पहुंच जाता है, लेकिन स्कैवेंजर उस ड्रोन पर हमला कर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जैसे ही ये ड्रोन ऑफलाइन हो जाता है वहाँ पे विक्टोरिया सिस्टम में चेक करती है और उसे जैक के लिए काफी परेशानी होने लगती है, इसीलिए वो काफी सारे ड्रोन जैक के पीछे भेजती है। तो वही दूसरी तरफ जैक मैलकॉम को बताता है कि तुमने इस ड्रोन को तो ऑफलाइन कर दिया है, लेकिन बहुत जल्दी दूसरे ड्रोन आने वाले हैं मुझे ढूंढते हुए, इसीलिए मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। इसीलिए स्कैवेंजर्स जैक को उसकी बाइक दिखाते हैं जो उन्होंने लाइब्रेरी से चुराई थी और स्कैवेंजर जैक और जूलिया को वहां से जाने के लिए देते हैं। जैक और जूलिया सीधा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में जाते हैं और विक्टोरिया को जैक मैसेज कर देता है कि वो सेफ है। वो काफी कंफ्यूज होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो जूलिया से पूछता है कि सच्चाई क्या है। तब वो बताती है कि आज से 60 साल पहले ओडिसी शिप के थ्रू ये लोग टाइटन में जा रहे थे। जैक उनका मिशन हेड था और विक्टोरिया उनकी को पायलट थी।
जब ये लोग डीप स्पेस में जा रहे थे तब ऑन द वे उन्हें एक एलियन ऑब्जेक्ट मिला था और उसकी रिसर्च करने के लिए इन्हें अपना मिशन रीरूट करना पड़ा। वो एलियन ऑब्जेक्ट और कोई नहीं बल्कि टेट होता है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही जूलिया और बाकी के क्रू मेंबर शिप से अलग हो गए थे और वो अपने क्रायोस्लीप में ही अपने पॉड्स में अभी तक स्पेस में थे। तो वही जैक और विक्टोरिया वो टेट में चले जाते हैं और टेट का जो एलियन एआई होता है वो उन्हें कैप्चर करता है। ये सारी बातें सुनते ही जैक काफी हैरान होता है। लेकिन तभी जूलिया दूसरी बात बताती है कि वो उसकी पत्नी है और उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है, जिससे जैक को सारी चीजें याद आने लगती है और इसी कारण से उसे जूलिया के बार बार फ्लैशबैक्स आ रहे थे। वो उसे गले लगाता है। लेकिन तभी विक्टोरिया का भेजा हुआ शिप के थ्रू इन दोनों को देख लेती है। जैक के ऊपर काफी गुस्सा होती है। जैक जूलिया को लेके वापस अपने टावर में आता है और विक्टोरिया को गेट ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन विक्टोरिया नहीं करती और वो कमांड सेंटर को बताती है कि अभी हम दोनों एक इफेक्टिव टीम नहीं है। इसके कमांड के साथ ही सीधा एक बड़ा सा ड्रोन उनके बेसमेंट से बाहर आता है और सबसे पहले विक्टोरिया को मारता है। और तभी सैली का मैसेज आता है कि जैक को अब ये लोग टाइटन पे भेजने वाले हैं। लेकिन जैक को सारी सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए वो सीधा जूलिया के साथ वहां से निकल पड़ता है। लेकिन काफी सारे ड्रोन उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन कैसे तैसे उनसे बचते और उन्हें मारते हुए वो आगे बढ़ ही रहा होता है, पर उसकी शिप रेडिएशन जोन में आकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन यहाँ पे शिप क्रैश होने के बावजूद भी जूलिया और वो ठीक होते हैं। हैरानी की बात ये, थोड़े आगे जाने के बाद जैक को खुद का ही एक हमशक्ल दिखाई देता है, जो कि दरअसल टेक 52 होता है और वो भी जैक की तरह ही डिसेबल ड्रोन को रिपेयर कर रहा होता है। दोनों भी एक दूसरे की तरफ गन तान देते हैं। लेकिन तभी जूलिया वहां पे आती है और जैक 52 जूलिया को देख उसे भी विजन्स आने लगते हैं उसके। यही मौका देख के रियल जैक उसकी गन उससे छीन लेता है और दोनों में भी लड़ाई शुरू होने लगती है। लेकिन इसी लड़ाई के बीच में गोली जूलिया को जाके लगती है। ओरिजिनल जैक जैक 52 को जख्मी कर जूलिया को लेके उसके टावर में जाने के लिए निकलता है, जहाँ पे वो जैक 52 के टावर में पहुंचता है। वो टावर पूरा का पूरा उसी के घर के तरह ही होता है और तो और वहाँ पे विक्टोरिया की भी वैसी ही एक क्लोन होती है। ये सारी चीजें देख जैक काफी हैरान होता है, लेकिन जूलिया को बचाने के लिए वो बस मेडिकल बॉक्स लेता है और वापस चला जाता है, जहाँ पे उसने जूलिया को एक जगह पे छुपा के रखा था। वहाँ पे वो उसका इलाज करता है और उसे अपने उस छोटे से घर में लेके जाता है आराम करने के लिए। यहाँ पे धीरे धीरे जैक को पता चल जाता है कि ये धरती पर जैक और विक्टोरिया के काफी सारे क्लोन्स हैं, जिन्हें कुछ एरिया दिया गया है जहाँ के ड्रोन्स उन्हें ठीक करने होते हैं और उनके एरिया के बाहर जानबूझ के रेडिएशन जोन है ये बताया गया होता है, ताकि जैक और विक्टोरिया उस जोन के उस पार चले ना जाए। लेकिन रेडिएशन जोन के उस पार दरअसल दूसरे जैक के क्लोन की टेरिटरी होती है। अब यहाँ पे थोड़े समय के बाद जूलिया को होश आता है। दोनों भी काफी इमोशनल होते हैं कि कैसे दोनों भी अलग हुए थे। अब अगले दिन जैक तैयार होता है और जूलिया के साथ स्कैवेंजर्स के बेस पे निकल आता है। तो वही दूसरी जगह पे एलियन एआई यानी टेड काफी सारे ड्रोन छोड़ता है स्कैवेंजर्स के मेन बेस पे। यहाँ पे मैलकम सारी हकीकत बताने लगता है कि वो कैसे आर्मी में था और एक दिन अचानक से मून डिस्ट्रॉय हो गया था और फिर उसके बाद देखते देखते धरती पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगी थी। वो लोग भूख से मरने लगे थे और फिर एक दिन अचानक से टेट ने क्रूशिप भेज दी थी अर्थ पर, जिसमें काफी सारे ड्रोन्स आए थे और ड्रोन्स को रिपेयर करने के लिए जैक और विक्टोरिया के काफी सारे क्लोन्स आए थे, जो स्कैवेंजर्स यानी इंसानों को भी मार रहे थे। और देखते देखते पूरे अर्थ पर हाइड्रो रिग्स बिछा दिए गए थे समुन्दर में, जो समुन्दर के पानी को फ्यूजन एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इसी तरह अर्थ के सारे रिसोर्सेस वो एक दिन नष्ट करने वाले हैं। ये सारी सच्चाई जैक को पता चलने के बाद वो मैलकॉम की मदद करने के लिए तैयार होता है, ताकि वो ड्रोन्स को हैक करके टेड जो सिस्टम है एलियंस का उसे बर्बाद करने में कामयाब होगा। तभी काफी सारे ड्रोन्स आते हैं और इनके ऊपर हमला करने लगते हैं, जिसमें मैलकॉम काफी जख्मी होता है, लेकिन वे लोग ड्रोन्स को मिटाने में कामयाब होते हैं। अब नए प्लान के मुताबिक एक पॉड में
जूलिया जाने वाली थी उसके साथ, जिसमें उन्होंने वो बॉम्ब तैयार किया हुआ था। बॉम्ब को टेट में लेकर जाएंगे और ब्लास्ट कर देंगे, लेकिन इस ब्लास्ट में वो खुद भी सैक्रिफाइस हो जाते। फिर जैक जूलिया को डेल्टा स्लिप पॉड में बंद कर देता है और पॉड को अपने शिप में रखकर टेट के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पे जैक ओडिसी का फ्लाइट रिकॉर्डर प्ले कर उसे सुनने लगता है। सैली असल में एक लड़की थी जो उसकी बॉस थी, और ये सारी मिशन की यादें उसे याद आने लगती है। टेट में खतरा हो सकता है ये जानने के कारण ही जैक ने अपनी पत्नी और बाकी क्रू को स्लीपिंग पॉड में से ही रिलीज कर दिया था और खुद विक्टोरिया के साथ अंदर गया था, और ये सारी चीजें उसे याद आती है। अब प्रेजेंट में जैक टेट में पहुंच जाता है, जहां पे वो हजारों संख्या में खुद के और विक्टोरिया के क्लोन्स को देखता है। टेट का एआई सिस्टम उसे यहां पे आने का कारण पूछता है, लेकिन उसकी हार्ट बीट और बोलने के तरीके से टेट को समझ जाता है कि ये झूठ कह रहा है। लेकिन तभी जैक सच्चाई बताता है कि मैं यहां पे जूलिया और अपने लोगों के लिए आया हूं, मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें जिंदा छोड़ो। ये सुनते ही उसे वो लैंडिंग का एक स्पेस देता है। टेड को गुमराह कर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, और तभी वो स्लीपिंग पैड ओपन करता है, जिसमें जूलिया के जगह पे दरअसल मैल्कम होता है। उसने जूलिया को सेफली अर्थ पे ही रखा था, यानी मैल्कम ने जूलिया की जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया होता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे स्कैवेंजर्स के बेस पर भी काफी सारे ड्रोन्स का अटैक होता है, और जितने भी बचे कुचे इंसान थे वो मरने ही वाले होते हैं। तो वही दूसरी जगह पे जैक बॉम्ब को डेटोनेट कर देता है, और देखते ही देखते टेड डिस्ट्रॉय होने लगता है, और साथ ही अर्थ के सारे ड्रोन्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं। लेकिन इसमें जैक और मैल्कम भी मारे जाते हैं, और इसी तरह अर्थ एलियन के कब्जे से मुक्त हो जाती है। मूवी के अंत में 3 साल बीत चुके थे। जैक की एक छोटी बेटी भी होती है जूलिया के साथ, और दोनों भी उस घर में रह रहे थे। लेकिन तभी जैक 52 बाकी स्कैवेंजर यानी इंसानों को साथ लेकर वहां पे आता है। जैक को सारी चीजें याद होती है, क्योंकि जैक की थ्रू आउट मेमोरी सारे क्लोन्स में एक ही तरह थी, और मूवी इधर ही खत्म होती है।